एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं इंडियाज गॉट लेटेंट एपिसोड 7 फीचरिंग रवि गुप्ता कॉमेडी, राघिर लाइव एंड कॉमिक सौरभ, और ऑफ कोर्स हमें रैना के चैनल से वी आर हियर टुडे। सो लेट अस सी हाउ दिस एपिसोड 7 ऑफ द लेटेंट शो इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। फॉर अ नाइस चेंज वी हैव अ नाइस लेडी हु इज गोना डू सम स्पैनिश सॉन्ग। क्या बात है, ये कुछ अलग है। सो मेक सम नॉइस फॉर तोशिका बिष्ट। एक बार जोरदार तालियां फॉर तोशिका बिष्ट। तोशिका बेस्ट यार। इंग्लिश और स्पेनिश, हिंदी भी गाती हूँ, हिंदी भी गा लेते हैं, हिंदी भी गा लेते हैं यार। इनको नहीं पता, इनोसेंस। तो तोशिका जी, आपने ये यहाँ आपको कोई स्पेनिश लोग दिख रहे हैं? बट फॉर अ चेंज जब हर कोई रैपिंग करता रहता है तो ठीक है ना, कोई स्पेनिश सॉन्ग सुन लो। ओके, मे बी कोई सीखना चाहे फिर। अच्छा, आई डोंट नो। तो तोशिका जी, मुझे समझ में नहीं आया पर सुर कैसे थे इसके, सही थे? कोई हिंदी सुना मैं तो देख ही रहा था। हाँ, कुछ अगर एक हिंदी हो जाए तो प्लीज यार। पीयू बोले, पिया बोले, क्या ये बोले जानू ना। Exactly my reaction to your Spanish. क्या करते हैं लाइफ में? मैं अभी तो मैंने जॉब छोड़ी हुई है, मुझे इसीलिए यहाँ पे आना था कि इसमें पैसे मिलेंगे। आज तो गाड़ी मिलेगी आपको। सही में क्या गाड़ी मिल रही है? लगा कि पैसे। थैंक्स टू स्पिनी। तो तोशिका जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं वैसे उत्तराखंड से, यहाँ रोहिणी रहती हूँ। अच्छा, ओह, तो रोहिणी में आप स्पेनिश सीख रही हैं? नहीं, स्पेनिश तो मैंने उत्तराखंड में देहरादून से सीखी है। देहरादून में स्पेनिश सीख रही थी? हाँ। क्या हो गया ऐसा? वही मैं बता रही हूँ ना, हर कोई इंजीनियर बन रहा है, ये है, वो है, तो मेरे को कुछ अलग सा करना था। बेरोजगारी रहना है आपको? नहीं डूड, आई एम अर्निंग। मतलब इसमें क्या करेंगे अब आप स्पेनिश सीख के, क्या यूज है इसका? क्यों, बहुत सारी चीजें हैं यार। अभी मैं ट्रैवल एजेंसी में हूँ, ठीक है, तो मैं स्पेनिश टीम लीडर हूँ, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस काम निकलवाना है। आई गेट द मनी एंड इंसेंटिव। और जो लोग, अरे बहुत ही मोनोटोनस सा हो गया था, प्लस आई डोंट नो, एक होता है ना सबकी लाइफ में एक फेज आता है, तो मेरी लाइफ में भी वो फेज आया एंड आई थॉट ऑफ क्विटिंग टू वेट। ये मोनोटोनस वाली बात कर रहे थे, सच बात तो है, मोनोटोनस से बोर तो जल्दी हो जाती है, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है ना, आई एम क्रेजी फॉर थ्री मैन, फॉर थ्री मैन, तो मोनोटोनस से बोर हो जाते हैं सच। फर्स्ट अप क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आई लव हिम। तो आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो पसंद है, जॉनी डेप पसंद है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर पसंद है आपको? बहुत। अच्छा, कोई अपना इंडिया में लड़ा है आपको कोई वैसा? बढ़िया यार। आप कितने साल से गा रहे हो? ऐसे मैंने परफॉर्म नहीं किया है कभी, वो तो अपना अपना गा लिया, तो क्योंकि यार हर कोई तो सिंगर ही होता है, तो मुझे ऐसे सिंगिंग भी नहीं करनी थी, इट्स जस्ट आई लाइक इट, तो गा लेती हूँ। मतलब एवरीवन इज अ बाथरूम सिंगर बट लाइक यू वांट टू गो एंड परफॉर्म ऑन स्टेजेस? नहीं, मुझे ऐसा फेमस फेमस नहीं होना है। वो तो सही राह पे चल रहे हैं आप अभी, स्पेनिश गा रहे हैं इंडिया में, तो यू आर डूइंग द बेस्ट थिंग फॉर योर विजन। राघी भाई, आपने कोई दूसरे लैंग्वेज में, कोई दूसरे भाषा में आपने गाना कोई गाया है? मैं तो यार अपने यहाँ की भाषाओं में ही गाता हूँ, राजस्थानी, पंजाबी, हिमाचली, उत्तराखंड, बिहार। आपने उत्तराखंड का गाया गाया है कोई? मतलब मैं गाता रहता हूँ, पुराने फोक गाता हूँ। कोई बताओ, जैसे आदमी छू दिया है कुछ भी, क्या फोक सॉन्ग है वो? आमिर खुसरो ने लिखा था वो गाना। भाई ये मेरा एक तरीका है, ऐसे जो लोग ऐसे आवाज करते हैं हमारे गानों के खिलाफ, तो उनको कहने का कि फोक यू मैन। बढ़िया राघिर भाई। So I also see that there are a lot of piercings on your face. हाँ, यहाँ पे भी थी। तो कब हुआ था ब्रेकअप आपका? अरे कौन सा वाला? कितने ब्रेकअप हुए आप? बहुत सारे। हाँ, is it a piercing for each breakup? नहीं नहीं, वो तो मुझे पसंद है। कभी कभार क्या होता है ना, यहाँ he's asking, so sorry, he's asking what's your body count? अबे नहीं पूछ मैं। ये expect है वैसे, मुझे यही expected था। यही expect था, तो बताइए क्या body count होगा?
सैल्यूट तो हम आंसर के बाद मारेंगे. 7, 8 लाइक हाँ 7 और 8 मतलब याद नहीं है आपको. हाँ 7 और 8 दैट्स ग्रेट यार. यार अब हर बार खोड़ी काउंट करती बैठोगे. तो क्या टाइप है आपका लड़कों का? मतलब फनी होगा, थोड़ा इंटेलेक्चुअल अच्छा हो बंदा, सिर्फ फालतू की बातें ना करता हो ना. मतलब लड़का फालतू की बातें नहीं कर सकता? नहीं मतलब लाइक सी कर तो सकता है, कर सकता है, बट थोड़ा फनी मुझे लोग सही लगते हैं. ओह नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग. इससे ज्यादा तो कपिल शर्मा के साथ आप जाएंगे कभी डेट पे? तो शादीशुदा है. इनमें से कोई शादीशुदा नहीं है, रोनाल्डो थोड़ी ना वो मुझे मिलेंगे थोड़ी. इट्स लाइक हीरो वर्शिप. तो मुझे मिले, अगर मिलते होते तो आपको लग रहा है कपिल शर्मा मिल जाएंगे आपको? अरे तो हीरो वर्शिप में यू आस्क का वो वाला क्वेश्चन क्या कहते हैं, लेट्स सपोज. तो उसी का ही लेट्स सपोज आंसर दिया है. लेट्स सपोज आप और रोनाल्डो एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए. अरे चाबी खो जाए तो विल यू मेक हिम मेसी? मैं तो सोया था भाई रोनाल्डो के साथ भाई, जो मैं सोया था भाई. He's the goat. पहनी सो. मेरी हेडर मारा मेरे बालों पे. मैं अपना गोल पोस्ट खोल के रखता भाई. जो आपको लाइफ पार्टनर हो कैसा होना चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसके अंदर? जैसे मैं उत्तराखंड से आती हूँ राइट, तो वहाँ पे हमारे अंदर इनबिल्ट होता है लाइक कल्चरल थिंग एंड ऑल. तो मेरे को चाहिए कि वो वैसा भी हो, क्योंकि लोग ना आजकल बहुत मॉडर्न हो गए हैं, तो थोड़ा कल्चर तो होना चाहिए यार. इतना भी मॉडर्न कम होना चाहिए उसका. तो अगर कोई है आपका मतलब व्हाट्स द बॉडी काउंट दैट्स एक्सेप्टेबल फॉर यू, अगर कोई बंदा ऐसा मिले आपको जिसका 300 है बॉडी काउंट? पास सबके होते हैं. इफ इज अ नाइस गाय एंड इज बीन विद द बिचेस देन फाइन. क्या ड्रामा है आपका? थोड़ा सा मेरे को लोग बोलते हैं ब्रो तू तो बिच टाइप लगती. ऐसा क्यों लगता है लोगों को कि आप बिची हैं? आप बात करती हैं लोगों से? नहीं एक तो ना मतलब थोड़ा सा वैसा है कि मतलब मेरा बहुत ज्यादा ओपिनियंस होते हैं ना. बहुत ओपिनियंस होते हैं तो मैं दे देती हूं कि ठीक है बुरा लगे तो लगे यार. व्हेन यू आर गोइंग टू गो इनटू अ रिलेशनशिप व्हाट मेक्स यू फील सिक्योर अबाउट अ मैन? मेरे को ना लॉयल्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट्स जस्ट द फर्स्ट थिंग आई लुक फॉर. भाड़ में जाए पैसा वैसा ना हो दैट्स ओके. आपने धोखे बहुत खाए हैं? हाँ 7 या 8 समवेयर इन दैट रेंज. रवि भाई आप कुछ पूछ रहे थे इनसे? मैं भूल गया भाई. आप गोल के बारे में पूछ रहे थे. मैं ये इनकी बात से एग्री करता हूँ कि लड़के जो है ना लॉयल तो नहीं होते. मैंने जिसको डेट किया था हरामजादे को चला गया भाई. पर मुझे लगता है कि पार्टनर जो है अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए लाइक बहुत जरूरी. मेरे पार्टनर को कोई दिक्कत नहीं मेरी वाइफ से. सो सही यार तोशी का बिस्ट यार. आप यहाँ कहाँ रहते हैं अभी? रोहिणी. एंड यू हैव योर पेरेंट्स हाउस? नहीं रेंट पे रहती हूँ यार अभी गरीब हूँ. How you are affording? अभी your job is gone, तो आप क्या करेंगे आप? अरे तो स्पैनिश से कमाया है कि बिना जॉब करे भी रेंट दे सकती हूँ. Let's go. पर कब तक? अरे तब मिल गया. अभी मैं ज्वाइन करूंगी नेक्स्ट लाइक आई डोंट नो. कुछ है आप जो मैं अपनी मर्जी से जॉब नहीं कर रही हूँ. ऐसा नहीं कि मुझे मिल नहीं रही है, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ. रोशिका आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो. हाँ आपको लगता है ठीक है गरीब होने के साथ साथ? कोई बात नहीं यार. तोशिका जी आपको बुरा तो लग रहा ना? नहीं ठीक है फिर और करते हैं हम लोग. क्योंकि मैं खुद था यार गरीब, मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं था. मैं आग ही मूंदता था. मैं तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट. नहीं बढ़िया है भाई बढ़िया. अगर आप यहाँ से गाड़ी जीतती हैं तो क्या करेंगे आप? आप जो गाड़ी दे रहे होंगे वो वैसे भी थोड़ी सस्ती होगी राइट, तो फोड़ दूंगी. इट्स ओके. एक सेकंड जस्ट बिकॉज़ स्विनीज कार हैज अ पास्ट. उसकी वैल्यू कम है. बहुत अच्छी क्वालिटी के हाई प्रोडक्ट कार बना दी स्पिनर. ठीक है कम ऑन मैन. ये वाली गाड़ी 7 लोगों ने चला रखी है वैसे. ड्रंक एंड ड्राइव था एक समय.
It's time to give the rating. अरे नहीं, बहुत मजा आ रहा है तोशिका बिश्तियार आपके साथ यार. But it's time to let you go. Thank you so much for joining तोशिका बिश्तियार. Thank you. I've given you a 7.5. मैं 8 दूंगा भाई. मैं आपको 8 नंबर देने चाहूंगा क्योंकि आपने जो बातों के जवाब दिए, हमने आपको इतना प्रोवोक करने की कोशिश की, पर आपने बहुत शालीनता से सारी बातों के जवाब दिए. उसका काट के नंबर मैंने आपकी सिंगिंग पे 8 नंबर दिए. सौरभ, अरे सौरभ भाई भी हैं यहाँ पे. सो 8.5 बाय हिम. बलराज, फ्रॉम माय एंड इट्स अ 9.5. दैट मेक्स योर एवरेज ऑफ 8.5. क्यों लाया हमने भाई? पहली बार स्पॉन्सर आया भाई. अरे लेट्स गो, स्पॉन्सर, पैसा मिला भाई. अरे थैंक यू सो मच यार, आप दोनों का, आप दोनों आप जा सकते हैं. थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू यार. एक बार जोरदार ताली फॉर द डोल गाइस. कांग्रेचुलेशंस. मुझे भी नहीं हो रहा है. कांग्रेचुलेशंस एंड यू विन अ ब्रांड न्यू सेकंड हैंड कार. कपड़ा भी मैचिंग पहना है आपने. ब्रो, इट वाज ऑल डेस्टिन्ड. या गॉड्स प्लान. बहुत ही सही यार. कांग्रेचुलेशंस. ओके यार, इंडस गॉट लिटेंट एक ऐसा शो है जहाँ पे तुम टैलेंट दिखाओ या ना दिखाओ, आपके पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप कैसे हो. मतलब बंदा यहाँ पे जीत भी सकता है, जीत भी नहीं सकता. जीत किस बेसिस पे कर सकता है कि उनके एवरेज पॉइंट्स मिल रहे हैं या नहीं. ये कौन सा ये है भाई. लेकिन कुछ भी बोलो, मजा बहुत ज्यादा आता है. एक शो का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि भाई कोई जीते या ना जीते किसी को कोई फर्क नहीं, बस जो एंटरटेनमेंट है ना उसमें, दैट इज द रियल थिंग भाई. बहुत मजेदार, वाह मजा आ गया. So yeah, that is it for today. अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो. इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट टू. थैंक यू.